बायकला में एक किडनैपिंग और एक्सट्रॉशन का केस दाखिल हुआ था, जिसमें एक तीन लोगों ने कार में एक आदमी को किडनैप किया था और उसके बाद वो गायब थे। इसमें क्राइम ब्रांच पैरेलली इन्वेस्टिगेट कर रही थी और कल हमने किडनैप पर्सन को रेस्क्यू किया और साथ में दो आरोपी हमें मिले हैं और आगे का इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच कर रही है। इसमें जो आरोपी है इलियास बचकाना, इस पर पुराने गुने दाखिल हैं, 38 मोर देन 38 केसेस हैं इस पर और सीरियस ऑफेंसेस हैं। तो इसने ये मेन एक्यूज था इसमें, ये हमें मिल गया और साथ में एक और एक्यूज हमें मिला और साथ में तीन और एक्यूज पुलिस स्टेशन के पास थे। तो हमारे पास पूरा केस ट्रांसफर हुआ है, आगे का इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच कर। सर पूरा मामला क्या है, शिकायत क्या थी? इसमें जो फिरियादी है, जिस जो किडनैप हुआ था उसका बेटा है और ये कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हैं और साथ में जो फिरियादी है, फिरियादी का फादर किडनैप हुआ था, तो इसका फादर पहले को एक्यूज भी रहा है आरोपी के साथ और इनका आपस का पैसे का मामला था, जो जैसा कि इसने फिरौती मांगी थी और पुरानी चीज़ें उसमें कुछ इशू था, उसके लिए बोला था कि तुम पैसे दो तो अभी छोड़ता हूँ। तो सामने यही अभी मामला आया है और हमने सबको अभी अरेस्ट किया है, पांच आरोपी हैं जो अरेस्ट हुए हैं और आगे का इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच का। कितने पैसों का डिमांड किया था, क्या डिमांड? उन्होंने 10 करोड़ रुपये की डिमांड की थी और कार में लेके गए थे और जहाँ से हमें मिला वहाँ पर उसको बांध के रखा था मानपुर के एक इंटीरियर एरिया में और उसमें हमारी टीम जो है अंदर जाके और जो आरोपी था जब मिला था तब भी वो वायलेंट था तो उसको ओवरपावर करके उसको फिर हमने कस्टडी में लिया और अभी अरेस्ट का प्रोसेस और कोर्ट में रिमांड लेने का प्रोसेस आगे चल रहा है। सर आरोपियों का नाम है मोहम्मद इलियास अब्दुल अजीज खान उर्फ बचकाना, नौशद अकबर अली शेख, आलमगीर मलिक, वाजिद शेख और करीम खान।